प्योर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम बीएस सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली एक छोटी सी कंपनी है जिसका फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस हर एक चीज़ काफ़ी शानदार है, इसलिए इस तरह की कंपनियों में हम इस वीडियो में इस चैनल पर बात करते रहते हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फ्यूचर में यदि हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब पैसा कमाने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा इसमें क्या खास है जिसको लेकर मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो सबसे पहले काम के बारे में शुरू से ही डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले काम को देख लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या 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 काम आता है। सबसे पहले तो ये एक NBFC कंपनी है। NBFC जो बैंक की तरह काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं इनको। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं इजीली लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए लोगों का आकर्षक बैंक से ज़्यादा NBFC कंपनियों की तरफ इन दिनों बढ़ रहा है। तो इन कंपनियों का चलन प्रचलन काफ़ी इन दिनों बढ़ रहा है और फ्यूचर में इस तरह की कंपनी काफ़ी ग्रो करेगी। तो ये तो हम लोगों ने काम के ही बिहाव पर समझा कि ये कंपनी काम करती है और इसमें काम के बिहाव पर फ्यूचर में तेज़ी बनेगी। लेकिन क्या कंपनी का फंडामेंटल उतना मजबूत है कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो तकरीबन मार्केट कैप है कंपनी का 45 करोड़ के आसपास और स्टॉक का PE देखिए सिर्फ 5.51, यानी कि एक छोटी कंपनी का PE, सामान्यतः छोटी कंपनी का PE इतना कम नहीं होता है और PE रेशियो जितना कम है उतना अच्छा माना जाता है। तो इसका PE 5.5 के आसपास है जो ठीक है और PE के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है, तकरीबन 78 पैसे के आसपास है। हालांकि इसका जो शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से कम है ये एक निगेटिव बात हो सकती है, हालांकि उतनी भी निगेटिव बात नहीं है। देखिए ये निगेटिव बात तब होती है जब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट होता या कंपनी डिलिस्ट होने जा रही होती तब। जबकि निकट भविष्य में विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज डिलिस्ट होने की बात छोड़े कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है या जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC है ये पॉजिटिव है और तकरीबन 3.5 से 4.5% के आसपास है, जो काफ़ी कमाल का बात है। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 3% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो ये हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल और काम के बिहार पे हम कह सकते हैं कि विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फ्यूचर में एक अच्छा कंपनी बन सकती है, फाइनेंस का सेक्टर में अपना दमखम दिखा सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमें कहाँ पर क्या करना है। ये कंपनी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कंपनी आपको समय समय पर पैसा लगाने का और बाहर निकलने का दोनों तरीके से मौका देती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, यहाँ पर डबल टॉप बना फिर लोग निकल गए होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, यहाँ पर निकले होंगे या यहाँ पर निकले होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, फिर लोग यहाँ पर या यहाँ पर निकलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समय समय पर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है पैसा लगा के पैसा कमाने का। अभी देखिए अभी क्या है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस देखेंगे तो ये एक इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है 80 पैसा का और ये 70 पैसा का जो लेवल है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन सकता है। अभी इसका प्राइस इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, जब इस कंसोलिडेशन से स्टॉक का प्राइस बाहर निकलेगा तो तकरीबन 1.30 रुपये जो कि इसके लिए ये मेजर रेजिस्टेंस है, कम से कम निकट भविष्य में यहाँ तक ही आ सकता है। यानी कि यदि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत जल्द आपका इन्वेस्टमेंट तकरीबन मतलब डबल तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी आधा आपको रिटर्न मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पर जब इस स्टॉक का प्राइस इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बाहर निकला 80 पैसा से थोड़ा सा प्राइस ऊपर उठने लगे यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि BS अगर फाइनेंशियल सर्विस में जैसे बताया समय समय पर इसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिलते रहता है तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यही पता चलता है। और यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बेशक आप इसमें बने रहिए, जब प्राइस इसके ऊपर निकले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। हालांकि प्राइस इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यदि हम सेल्स की बात करें तो देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का सेल्स जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखा है। सितंबर क्वार्टर में भी क्या जबरदस्त रिजल्ट कंपनी का बढ़ा है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी जो खर्चे करती है वो अपने औकात के हिसाब से करती है, जितने कमाती है उससे कम ही कंपनी खर्चा करती है। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब जो मेन कमाई है कंपनी का वह देखेंगे तो माइनस में नहीं है, प्लस में, और सितंबर क्वार्टर में यह भी खूब बढ़ा है, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। अब यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट मेन होता है जो एकदम टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनियों के पास बचता है। तो यदि हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का
सितंबर क्वार्टर में बढ़कर तकरीबन 3 करोड़ के आसपास हुआ, और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो समय समय पर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और सिर्फ फंडामेंटली नहीं ग्रो कर रहा है, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है सेक्टर का भविष्य भी काफ़ी उज्ज्वल है। प्लस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या बोलते हैं वो भी बातें मैंने आपको बता दी है। तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज को दी एक शब्द में डिसाइड करें तो काफ़ी बेस्ट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से काफ़ी बढ़िया पेनी स्टॉक है, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता हूँ, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।